नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल ओडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। थाना भोगांव पुलिस ने लूट का किया खुलासा। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्र के भोगांव मोटर रोड पर हसनपुर के पास SBI ग्राहक सेवा केंद्र भैसरौली के संचालक के साथ मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कंधे पर टंगे बैग को काट कर बैग से एक लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन, डिवाइस व 70,000 रुपए लूट लिए थे। इसके बाद मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी, जिसकी कार्यवाही के चलते थाना भोगांव पुलिस ने रविवार को घटना को कारित करने वाले तीन आरोपियों अभय उर्फ तिपेलन पुत्र जयवीर निवासी गिहार कॉलोनी थाना भोगांव, संजीव पुत्र सुभाष चंद्र निवासी गिहार कॉलोनी थाना भोगांव, वही अर्जुन पुत्र विनोद निवासी गिहार कॉलोनी थाना भोगांव को फिंगरप्रिंट मशीन, रजिस्टर, लेखा जोखा, रिकॉर्ड, घटना में प्रयुक्त धारदार छुरी, वहीं लूटे गए 21,200 नगद, एक मोटरसाइकिल तथा एक 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आगे की खास रिपोर्ट आमिर अली के साथ। लुटेरों का ग्रुप पकड़ा गया है, क्या इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी है? भोगांव थाना क्षेत्र में 23 तारीख को एक जन सेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति में से 70,000 रुपए और थम इम्प्रेशन वाली मशीन, रजिस्टर आदि सामान लूटा गया था। इस संबंध में तब से घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो शातिर लुटेरे हैं, अभय, संजीव और अर्जुन। इनके कब्जे से हमको घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, वो थम इम्प्रेशन वाली मशीन, रजिस्टर और लगभग 22,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। इन जो ये तीनों ही अपराधी हैं, शातिर लुटेरे हैं, सभी के लंबे आपराधिक इतिहास हैं, लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं तीनों अपराधियों के ऊपर। इनके अन्य गतिविधियों का भी जानकारी की जा रही है और उम्मीद है कि और भी घटनाएं अभी इसमें वर्कआउट होंगी। इसमें वर्कआउट करने वाली जो टीम है उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है इस कार्य के लिए।